स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12, बच्चों आपके एग्जाम्स जो हुए हैं या अभी जो नया बोर्ड है उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो चल रही है, मीडिया पोर्टल्स में भी काफी छाई हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आज तक के तरफ से हमें आई है खबर की अब दसवीं की बोर्ड होगी या नहीं, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन रोमिंग अराउंड कि क्या होगा, अब क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, क्या उसके तहत अब बोर्ड एग्जाम्स 10th में नहीं होंगे क्योंकि फॉर्मेट तो चेंज होना था। सो सोशल मीडिया पर एक मैसेज, दिस इज अ वायरल मैसेज जिससे काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जिसमें दावा किया जा रहा था कि शिक्षा मंत्री जो हैं भारत के, उन्होंने प्रस्ताव जारी किया है नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि अब मीटिंग्स के हिसाब से अब क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तो ये सच जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो देखो ये 3 अप्रैल की खबर है, दिस इज एन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये सवाल घूम रहा है क्योंकि बच्चे हैं, सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई न्यूज आई नहीं थी, बट ये चूंकि आज तक और ऐसे जितने भी मीडिया है सब जगह ये न्यूज आज फैली हुई है। तो भारत सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति पेश की थी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेश की है। आपने देखा होगा कि अब की जो एग्जाम हो रहे हैं, होने वाले नए सेशन 23-24 वाले बच्चों के, इनके सिलेबस, इनके बुक्स सब कुछ बदल दिए गए हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग, क्वेश्चन का फॉर्मेट पिछली बार भी चेंज था, आप लोगों के लिए भी एमसीक्यू कॉम्पिटेंसी वाले ज्यादा थे, अब इस बार भी जो है वो चेंजेस हैं, देर आर चेंजेस, लेकिन बोर्ड होगा नहीं ये एक सवाल बन गया है। तो मौजूदा शिक्षा प्रणाली यानी कि जो पैटर्न है वो उसमें बदलाव तो हुए हैं। एक मैसेज बहुत प्रचारित हो रहा था कि जिसके तहत तमाम बदलावों में एक ही बदलाव ये भी था कि एग्जाम नहीं होगा। तो देखो 10th के बच्चे तो मतलब बेबी कुछ चाहते हो कि ना हो या जो भी, लेकिन एग्जैक्ट कंफर्मेशन न्यूज ये है कि सोशल मीडिया पर जस्ट ए वायरल मैसेज। और शिक्षा मंत्री जो भारत के हैं उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो डाली थी, अब देखो ये 36 साल बाद यानी कि 36 ईयर्स के बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लगी है। तो बहुत बड़ी मीटिंग होके कमिटी बना के सोच समझ के एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की जाती है, क्योंकि विद टाइम थिंग्स आर ऑल्सो चेंजिंग। एजुकेशन पॉलिसी में वैसे भी बहुत लंबा साल के बाद बदलाव आया है, थोड़े चेंजेस होने चाहिए और दिस इज अ ह्यूज गैप। सो सरकार, निजी डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए समान नियम होंगे जिसमें बोर्ड की परीक्षा खत्म करने की बातें हो रही है, लोगों के बीच वायरल हो रही जानकारी का सच जाना जरूरी है। इस बीच में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी है जिसने इस एक फैक्ट पे चेक लगाया, पीआईबी के फैक्ट में एक अधिकारी ने ट्विटर हैंडल पर फॉरवर्ड किया था मैसेज जिसमें ये दावा बताया गया था कि जिसके स्टेक होल्डर्स को बताया कि ये दावा झूठा है। तो आपको इस पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम सिलेबस आ गया है पढ़ते रहिए, नई बुक्स आ गई हैं, पुरानी बुक मार्केट से मत खरीदिए, ठीक है। धीरे धीरे नए साल के बच्चों के लिए भी सिलेबस अपडेट कॉन्टेंट्स हम जारी करेंगे। तो आप अगर चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं है तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और कन्फ्यूज मत होइए, बोर्ड एग्जाम होगा, अगर बोर्ड नहीं होगा ना तो दिस विल बी अ ह्यूज चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम जो कि इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं होगा, और ऐसा होगा नहीं, होने के चांसेस तो नहीं है। देखो एजुकेशन मिनिस्टर अगर प्लान कर ले तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट येट प्लान, ना ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, तो दिस इज नॉट गोना हैपन। सो आप लोग अपनी तैयारी करिए, नए बुक से पढ़ाई कीजिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे।